वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंग्लिश सीजीएल मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। इंग्लिश जो कि आपका मेंस का 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 200 क्वेश्चन आएंगे। इसमें हम बेसिकली स्ट्रेटजी बात करने वाले हैं कि हम मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC CGL Mains for English। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि तीन सेक्शन है इंग्लिश में। बेसिकली तीन ही सेक्शन होते हैं। सबसे पहले आपका हो गया ग्रामर। ठीक है, और ग्रामर के साथ हो गया, ग्रामर के बाद हो गया आपका वोकैबुलरी। बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज आ रही है, उसके लिए माफी चाहूंगा। ग्रामर का वोकैबुलरी, इसके पास हो गया आपका पैसेज वगैरह हो गया। ठीक है, तो हम पहले ग्रामर पर बात कर लेते हैं। ग्रामर हमें कहाँ से करना है? तो ग्रामर के लिए आपने प्री में भी पढ़ा होगा, किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, या मान के चलिए अपने सेल्फ स्टडी की है तो नीतू सिंह वगैरह SP वक्सी किसी भी किताब पर किताब से आपने पढ़ा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी सेम थिंग्स को फिर से आपको मिनिमम 20 डेज में, ठीक है, सभी जो भी रूल है आपके ग्रामर के सभी को आपको रिवाइज कर लेना है, सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीका से। ठीक है, और ग्रामर में इसके इससे ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं है। और इसके साथ ही बाकी अपन मॉक देंगे, जो कुछ न्यू आपको मेथड मिलेंगे, न्यू फॉर्मूला वगैरह मिलेंगे इंग्लिश में, ठीक है, ग्रामर की, तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे मॉक टेस्ट से और बाकी उसको बहुत अच्छी तरीका से याद कर लेंगे। ठीक है, ग्रामर में और कुछ खास है नहीं, क्योंकि आप मेंस वाले बच्चे हैं। देखो, आप इतना तो जानते हैं कि आपको उतना आता है, आपको बस रिवाइज करना है, थोड़ी उसको एक्सपेंड करना है, आपके आपके आपको अपनी लिमिट को थोड़ी पुश करना है। ओके, अब इसके बाद जो है वोकैबुलरी सेक्शन, थोड़ी डिफिकल्ट है। इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे पता नहीं है कि कितने हैं, ना जाने, कुछ कह नहीं सकते, क्लियर ही नहीं है कुछ। वोकैबुलरी आपको कुछ नहीं करना, वोकैबुलरी में देखिए एंटोनियम्स सिनोनियम्स हो गया, ठीक है, और वन वर्ड हो गया, वन वर्ड के बाद क्या हो गया आपका idioms हो गया, idioms के बाद phrases हो गया, या phrases phrasal verb हो गया। ठीक है, तो आपको इनको कहाँ से करना है, antonyms and synonyms। आपको एक मैं बुक दिखा रहा हूँ, ये है अजय कुमार सिंह की, ठीक है, SSC English Revised and Updated 2019 edition, 1920 का edition, 166 सेट। इसमें आपको जो भी SSC ने अभी तक सेट एग्जाम लिए हैं 2019-20 तक के, शायद 13 या 14 से है इसमें पूरे एग्जाम है इंग्लिश के। SSC जो है स्टेनो वगैरह में पूछे जाते हैं, CPO वगैरह के सेट भी दिए हुए हैं, CGL मेंस के दिए, CGL प्री के दिए हुए हैं, CHSL के नहीं है लेकिन इसमें बाकी सभी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस बुक में देखते हैं, इस बुक में सभी कुछ दी जाओगे। इस बुक से करना क्या है आपको मैं बता देता हूँ, और प्राइस भी बता देता हूँ इस बुक में भी कितनी पड़ेगी, 400 के आसपास पड़ेगी। मैंने तब जब ली थी शायद मुझे 400 की पड़ी थी, इसमें 600 रही हुई, लेकिन इसमें शायद कुछ डिस्काउंट मिलेगा आपको 20% के आसपास, तो 450 के आसपास पड़ गई। ठीक, तो इस बुक से आपको कुछ नहीं करना, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसमें कहां से क्या कौन कैसे सेक्शन पढ़ना बाकी। देखिए ए प्लस एंटोनियम सिनोनियम्स जो कि पेपर सेट है, उसके नीचे बाद में बुक एफ दिए जाते हैं बुक एफ सेक्शन में। ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको इसी बुक में दिए हैं 1000 के आसपास अराउंड, वही भी आपको पढ़ लेना। उसके बाद बाकी क्या है, इडियम्स, इडियम्स भी इसी बुक से पढ़ना है। बाकी देखिए फ्रेजेस, फ्रेजेस के लिए कुछ जो इसी में दिए हैं वो, और बाकी आपको जो मॉक टेस्ट में मिलेंगे आपको वो करना है। बाकी ज्यादा फालतू के चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ना तो आपके पास ज्यादा टाइम बचा है। ठीक है, लास्ट 2 मंथ्स है, तो आपको करना है इसी में रखना है, आपके पास यही टाइम है, और तो हमको पढ़ना है तो वो चीज पढ़ना है जो पेपर में पूछी जानी, बाकी फालतू नहीं पढ़ना है। ठीक है, वोकैबुलरी आपको इसी बुक से करनी है। ठीक है, और बाकी वोकैबुलरी के लिए एक और है जो आपकी कमी रहेगी, तो जो है वर्ड पावर मेड जी नॉर्मल लिस्ट के द्वारा लिखी है। तो इस बुक में जो 40 चैप्टर के आसपास है, 40-45, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा छोटी छोटी सी, 5-5-10 मिनट की करके, जो उसमें से मोस्ट बुक कैब है जो हमारे CGL CHSL वगैरह और किसी NDA वगैरह सीट
CDS वगैरह जो कुछ पूछेगा यहाँ पे तब बैंकिंग वगैरह में, तो वो ठीक है वो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना देंगे, तो आप 5-10 मिनट के तो आप देख लेंगे और उसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, बाकी ज्यादा फालतू के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको नॉर्मल लिस्ट हो गया, ओके जल्दी आपकी उसकी वीडियो मिल जाएंगे, आपको कैबलर की परेशानों की जरूरत नहीं। बाकी थर्ड सेक्शन है पैसे, पैसे देखो सभी जानते हैं कि इसमें पैसे को सॉल्व कर पाना सभी के बस की बात नहीं होती, जो कि मेंस में देखिए आप 75 मार्क्स के आने हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना वेटेज है इसका। ठीक है, तो 75 यदि हम देखें तो 75 मार्क्स ही आने, तो आपको क्या करना है इसके लिए, इसमें देखिए आपको सबसे पहले तो क्लोज टेस्ट आते हैं, हम सभी जानते हैं है? पैरा जंबल बोलते हैं, ठीक है, और क्लोज टेस्ट पैरा जंबल हो गया, पैरा जंबल के साथ ही और इसमें क्या आएगा, और एक पैसे और पैसेज, तीन चीजें हैं। आपको इसको करना कैसे है पहले समझिए, आपको इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है कि जो आप मॉक लगाएंगे डेली, मॉक में आप जो भी मिलेगा उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और जो आपकी गलतियां होंगी उनको फिर से रिव्यू करेंगे, और इसके बाद और जो इसके बाद पैरा जंबल है, पैरा जंबल भी सेम करना है, पैसेज टेस्ट भी सेम, ओनली मॉक, और इसके साथ ही प्लस एडिशनल में एक चीज बस आपको करनी है, क्या वो है क्या, उसके साथ ही आपको सिर्फ एक ही चीज करना है जिसमें कि ओके आपको प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो की जो कि वही है जो अभी मैंने बताई है अजय कुमार सिंह की, उसी बुक से करना है बस। ठीक है, उसी बुक में जो प्रीवियस ईयर के है उससे करना है, बाकी अपनों मौक देना, देखिए न्यूज पेपर के चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है, कहाँ आप इतना सारा न्यूज पेपर डेली पढ़ेंगे, 1-2 घंटे जो उसको देंगे, तो पहले आपको जैसे ही आप इनको डेली लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कहां से कैसी कौन सी चीजें, जो आपको नए रूल मिलेंगे तो आप नोट डाउन करते जाएंगे, उनको डेली रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, ये पैसेज का हो गया, बाकी स्ट्रेटजी में और कुछ और खास कुछ है नहीं, देखो पढ़ना हम ही को है, तो स्ट्रेटजी पे ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है कि कैसे का, वैसे इतना पता होना चाहिए कि कहां से क्या आता है और क्या हमें पढ़ना है, बाकी ना फालतू पढ़ना है और ना टाइम इन्वेस्ट करना है फालतू चीजों में, ऐसा वैसा कुछ कर रहे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें करना है इंग्लिश में, मेरे अंदर से सफिशियंट है, आप यदि इतने कर लेंगे तो आप 172-190 अराउंड आराम से पहुंच जाएंगे, बाकी आपकी प्रैक्टिस पर। देखिए यदि आप यहाँ पर 75 में 75 मार्क्स लाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 190 प्लस आ जाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज यही सेक्शन है, सेक्शन सी मान लीजिए इसको, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बाकी देखते हैं अब इसके बाद आपको इंग्लिश मैथ पर स्ट्रेटजी का वीडियो मिल जाएगा कि मेंस के लिए मैथ को कैसे करना है, बाकी आप कहेंगे कि इसके लिए और आपने बुक नहीं बताई, बाकी यही बुक है सफिशियंट, बाकी ज्यादा फालतू के चक्कर में आपको कई लोग बताएंगे कि कहीं ये बुक पढ़ लो कहीं वो बुक पढ़ लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके पास 2 महीने है तो आप कैसे बताइए, 2 महीने है आप कैसे और किसी चीज को ज्यादा पढ़ पाएंगे, एक ही बुक तो पहले कर लीजिए, उसको 2-3 बार कर लीजिए बस, उसको करना कैसे है वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं फिर और देखते हैं, आप भी अच्छी तरह तरीका से पढ़िए, मैं वीडियो को पढ़ रहा हूँ और भी पढ़िए। ठीक है, ओके।